जनपद में स्वास्थ्य विभाग की 101 आरआर टीम घर घर जाकर कोविड मरीजों को सलाह देने के साथ उन्हें मेडिकल किट उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसके संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में आशा अपने क्षेत्र में अभियान चलाकर कोविड के लक्षण वाले मरीजों को दवा उपलब्ध करा रही है। अभियान के दौरान अब तक 1,10,000 मेडिकल किट का वितरण किया जा चुका है। प्रशासन द्वारा निगरानी समिति के माध्यम से 2,200 मेडिकल किट कोविड लक्षण वाले मरीजों को शहरी क्षेत्र में भी वितरित किया गया है। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि मेडिकल किट से कोरोना पॉजिटिव मरीजों को काफी राहत मिली है और कोरोना वायरस को काबू पाने में भी सहायता मिली है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया, कोरोना संक्रमित लोगों के लिए जो है हमारी आरआरटी टीम घर घर जाती है और हमारी निगरानी समितियों में मेरी आशा एनएम है वो भी घर घर गांव गांव के हर घर में विजिट करती हैं। तो जहां भी सिम्टोमेटिक पेशेंट दिखाई देते हैं कि जिनको हल्का फुल्का बुखार हो या कोरोना संक्रमित हैं, तो कोरोना संक्रमित में और सिम्टोमेटिक जो अभी जाँच नहीं कराए हैं और उनके कॉन्टैक्ट लोगों को सभी लोगों को हमारी टीमें किट मेडिकल किट बांट रही हैं, जिसमें 4-5 तरह की दवाइयां होती हैं। तो डेली चल रहा है, पिछले 2 महीने से हमारे यहाँ चल रहा है। अभी तक हमने 1,10,000 से ज़्यादा मेडिकल किट बांट चुके हैं। पर डे हमारा 4,000 से 5,000 का मेडिकल किट बांटने का हमारा वो चलता रहता है, तो ये लगातार चल रहा है। नगर निगम भी हमसे दवा ले जाता है और अपने सभासदों के माध्यम से और किट बांटता है जहाँ जहाँ घर पर कोई भी बीमार है, और हम अपने माननीयों को भी हम कुछ किट दे रखे हैं, हमारे प्रतिनिधि लोग उनको भी हमें किट दे रखा है। वो लोग भी जहाँ भी जाते हैं, जिस क्षेत्र में जाते हैं अपने यहाँ, जिसको भी दवा की ज़रूरत होती है वो किट देते हैं। इसी वजह से हम कोरोना में कंट्रोल कर पाए हैं और लगातार हम किट बांट रहे हैं।